किया, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी और सी ए स्क्वायर यहां पर आएगा ए बी स्क्वायर बी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, और इसको किया हमने सी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो आप कॉलम क्या करोगे, आप कॉमन लोगे, रो वाइज लोगे, तो टेन कॉमन कॉमन ए फ्रॉम आर वन बी फ्रॉम आर टू सी फ्रॉम आर थ्री कॉमन लिया, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी सी से सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है बेटा, अब हम क्या करेंगे भाई, यहां पर बी प्लस सी इस टाइप का, इसको जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, तो कैसे करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में से इन दोनों से माइनस कर देंगे, कि कॉलम वन में हम माइनस कर देंगे, तो यह आएगा हमारे पास ये माइनस कर देंगे हम, यह आएगा कॉलम वन माइनस कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री, तो ये माइनस करेंगे क्या है बेटा, जीरो, इसे माइनस करोगे तो ये माइनस टू सी स्क्वायर, फिर ये माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस का टू बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसे माइनस टू कॉमन लेकर फिर वही टेन कॉमन माइनस टू फ्रॉम दिस, तो जीरो सी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप कर लीजिए, आर टू में से आर वन माइनस कर दीजिए और आर थ्री में से आर वन माइनस कर दीजिए, तो तीन जीरो हो जाएंगी, फिर हम रिटर्न ले लेंगे। तो अब इस तरह से क्वेश्चन अगला है 29th क्वेश्चन, माइनस बी सी माइनस बी सी बीस के प्लस बी सी बीस के प्लस बी सी फिर हमारे पास बीस के प्लस बी सी सी स्क्वायर प्लस बी सी ए स्क्वायर प्लस ए सी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी बी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर प्लस ए सी और माइनस ए बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब, ये हमने प्रूव करना है। अब बेटा यहां पर है, अब ऐसा कोई इंट नहीं मिल रहा,
ना ही फोर एबीसी वाला जीरो बनता हमारा, तीन जीरो। तो देखिए भाई अब क्या करें, थोड़ा इंट ये मिल रहा हमें, बी ज्यादातर स्क्वेयर में है तो इनको हम स्क्वेयर बनाए। थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें एक कोण आ रहा है, इसमें एक कोण आ रहा है, इसमें कुछ नहीं आ रहा, ऐसे ही इसमें बी कोण आ रहा है, इसे बी कोण आ रहा है, इसमें बी नहीं है, सी को मना रहा है, सी को मना रहा है, इसमें सी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास, तो क्या करेंगे भाई, बी सी है क्या चाहिए हमें, ए, यहां पर ए सी है क्या चाहिए, बी, ए बी है क्या चाहिए हमें, सी। तो आपको मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ए बी सी से डिवाइड, ए बी सी से मल्टीप्लाई। पहले हम करते थे भाई आपकी च्वाइस है, चाहे आप कॉलम वाइज कीजिए चाहे रो वाइज, लेकिन यहां पर हमारे पास च्वाइस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर बेटा इसमें एक कोण आ रहा है, इसमें एक कोण आ रहा है, यदि आप ए को आप फर्स्ट कॉलम से कर दें तो डबल डबल हो जाएगा, तो इसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। हम रो वाइज में पे करेंगे तभी फायदा होगा कि ए इसमें, ए इसमें, इसमें कौन आएगा। तो हमने क्या कर दिया, रो फर्स्ट को हमने ए से पे कर दिया, ए बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी कॉमन ले चुका हूं मैं पहले ही, बी प्लस सी, ए और सी कॉमन ले लिया हमने, सी प्लस बी, ऐसे यहां पर बी से पे कर दिया और ए कॉमन ले लिया हमने तो ए प्लस सी, यहां पर हमने माइनस का ए बी सी, यहां पर हमने बी सी, सी प्लस ए, यहां पर हम क्या करेंगे सी से करेंगे हमने, तो करो भाई, तो ए कॉमन लिया सी से पैक कर दिया हमने तो ए प्लस बी, फिर आएगा यहां पर बी सी ए प्लस बी माइनस ए बी सी। अब मन पाए हमने किसके वाई किया था, रो वाइज, कॉमन हम क्या लेंगे कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज कॉमन लिया, टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम कॉलम वन, बी फ्रॉम कॉलम टू, एंड सी फ्रॉम कॉलम थ्री, एंड सी फ्रॉम कॉलम थ्री, हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेंगे तो एबीसी से एबीसी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा माइनस बीसी, ए कॉमन गया भाई, रह क्या गया बी, तो ए बी प्लस बीसी, ए कॉमन गया तो सी ए प्लस सी बी, ऐसे यहां पर हमने बी कॉमन लिया ऐसे तो ए बी प्लस ए सी, बी को मिल लिया तो माइनस का ए सी, सी को मिल लिया तो क्या आएगा, सॉरी हमने क्या को मिल लिया इसमें बी, तो सी ए प्लस सी बी, ऐसे हमने इसमें सी को मिल लिया था हमने तो क्या आएगा ए सी प्लस ए बी, इसमें हमने सी को मिल लिया तो बी सी प्लस बी ए, सी को मिल लिया तो क्या होगा माइनस ए बी। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, इसे बेनिफिट क्या होगा बेटा, जो कॉमन लिया हुआ था वो कैंसिल हो गया इससे, ये ए बी सी, ये ए बी सी कॉमन लिया था तो वो कैंसिल हो गया। अब इससे फायदा क्या होगा, अब ये फायदा हो गया, अब यदि आर वन में आर टू आर थ्री ऐड कर दें तो ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी प्लस सी ए प्लस सी बी, ए सी से सी कैंसिल, तो ए बी प्लस सी ए प्लस सी बी, और ए बी से ए बी कैंसिल, तो ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, और सेम आगे आ जाएंगे एलटीस। अब ये कॉमन आ जाएंगे ना तो ट्रिपल कॉमन बन जाएंगे तो जीरो आसान हो जाएगा, तो इस स्टेप से हो जाएगा। तो कल आपको 30 तक क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।